सेंट्रल जेल में बंद सैकड़ों कैदी अब तालीम के जरिए अपनी अंधेरी जिंदगी को फिर से रोशन करना चाहते हैं। जेल में बंद करीब 164 कैदी जेल में पढ़ाई कर 28 अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम भी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की मौजूदगी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस हॉल में तमाम उम्र के लोग परीक्षा में बैठे हैं। दरअसल ये तस्वीर किसी स्कूल या कॉलेज की नहीं बल्कि बीकानेर के सेंट्रल जेल की है। अलग अलग मामलों में कई सालों से जेल की सजा काट रहे ये कैदी अब अपनी अंधेरी जिंदगी को फिर से तालीम हासिल कर रोशन करना चाहते हैं। ये कैदी जेल में पढ़ाई कर 28 अलग अलग तरह के कोर्स कर अपने जीवन को नए आयाम दे रहे हैं। केंद्रीय कारागृह बीकानेर में इग्नू का सेंटर संचालित है और जिसके अंतर्गत 164 विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। इसमें 164 इस समय परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 29 जून तक परीक्षाएं चल रही हैं। इग्नू की विभिन्न कोर्सेज हैं। बीकानेर सेंट्रल जेल में 164 कैदी 28 अलग अलग तरह के कोर्स की परीक्षाएं दे रहे हैं। जीवन में किए गए गुनाहों ने इन्हें अपराध के दलदल में धकेल दिया है, लेकिन वक्त ने एक बार फिर इन्हें जीवन में परिवर्तन का मौका दिया है। जेल में बंद कैदी पिछली जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। 35 जो बंदी हैं वो BPP कोर्स कर रहे हैं जो 10th के इक्विवेलेंट है और बाकी के अबव 10th के कोर्सेज हैं जो कुल मिलाकर 28 तरीके के कोर्सेज यहाँ सेंट्रल जेल बीकानेर में इग्नू के कराए जा रहे हैं जो मैक्सिमम है अपने आप में। और इस जोधपुर संभाग के जो जेलें हैं उनमें हमारे इग्नू के स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा हैं। बीकानेर के सेंट्रल जेल में 1 जून से 29 जून तक परीक्षाएं चलेंगी जिसमें 35 ऐसे बंदी हैं जो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। जेल में बंदियों के लिए की गई ये खास व्यवस्था अपने आप में अनूठी है। शिक्षा के जरिए न केवल कैदियों की जिंदगी संवरेगी बल्कि अपराध के दलदल से भी बाहर आएंगे। रोशन व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।